हेलो डियर स्टूडेंट्स ये एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री बी है इसके अंदर हम वेरीफाई करने वाले हैं लॉज ऑफ़ पैडर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को ठीक है यूजिंग मीटर ब्रिज इससे पहले थ्री ए था टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन यूजिंग मीटर ब्रिज जो कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दिया है आप वॉच आउट कर सकते हैं उसको ये उसी का बी पार्ट है ठीक है आप स्क्रीन ले सकते हैं इसमें हमें प्रूव करना होगा जो R1 का हमारे पास वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की और जो R2 की आएगी पैरलर में अगर हम उनको कनेक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट किसके इक्वल होगा वन अपॉन आर इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू सो वेरीफाई करना है लॉज ऑफ पैरलर कॉम्बिनेशन यूजिंग मीटर ब्रिज पहले तो एम का और रिक्वायरमेंट का स्क्रीन शॉट ले लीजिए जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल एक्जैक्टली exactly आपको लैब मैनुअल में ऐसे ही लिखना है प्रोसीज़र किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम नहीं लिखते हैं देन उसके बाद में हम देखेंगे थ्योरी थ्योरी में सिंपली हम देख रहे हैं थ्योरी के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है हमें इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस जो है पैलर कॉम्बिनेशन का फाइन करना है एंड दैट इज़ अगर दो रेजिस्टेंस का पैडर कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालें तो वन अपॉन आर किसके को आएगा रिजल्टेंट वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू इसके लिए हमें पहले आर वन पहला जो रेजिस्टेंस वायर है वो यूज़ करना होगा और R1 और R2 दोनों को लेकर ये रीडिंग है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ये पहला ऑब्जर्वेशन टेबल है जो बनेगा जिसमें R1 और R2 आपने दोनों रेजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस वैल्यूज़ हैं उनको फाइन कर लिया है राइट और उसके अंदर हम मीटर ब्रिज का ही यूज़ करेंगे पहले हम आर जो है उसको कनेक्ट करके विद अ नोन रजिस्टेंस उसकी रीडिंग निकालेंगे फिर R2 को कनेक्ट करके विद द हेल्प ऑफ अ नोन रेजिस्टेंस आर टू अनोन होगा उसकी रीडिंग फाइन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इनका जो पैरलर का रिजल्ट आ रहा है वो हमारा जो पैरलर में कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस को उससे मैच करता है या नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप फिर मैं आगे समझाती हूँ ओके अब हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले तो आप ये सर्किट डायग्राम देखिए इस सर्किट डायग्राम को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि पहला तो रेजिस्टेंस बॉक्स है एक नॉन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है फिर आर वन को हम इंडिविजुअली ज्वाइन करेंगे सिंगल उसको लेकर रीडिंग निकालेंगे फिर आर टू को हम सिंगल ज्वाइन करके रीडिंग निकालेंगे देन उन दोनों को पैरलर में तो राइट नाउ तो पैरलर में कनेक्टेड है पहले आर वन को सिंगल ज्वाइन करके रीडिंग निकालनी होगी जो सेकेंड गैप में है फिर R2 को सेकंड गैप में ज्वाइन करके रीडिंग निकालनी होगी देन उनका पैडलर का कॉम्बिनेशन पैडलर में उन दोनों को कनेक्ट करके फिर हम रीडिंग निकालेंगे मीटर ब्रिज की हेल्प से हम पैडलर कॉम्बिनेशन को वेरीफाई कर रहे हैं सो दिस इज मीटर ब्रिज जिसकी हेल्प रहे हैं इसके प्रूफ में पैडलर कॉम्बिनेशन के प्रूफ में राइट right? अब हम देखते हैं इसके आगे हमें क्या करना है सो मीन वैल्यू ऑफ आर वन और आर टू आ गए हैं मीन वैल्यू ऑफ आर वन हमारे पास में आया है जीरो पॉइंट सेवन वन फाइव ओम एंड आर टू आया है जीरो पॉइंट ओम अब हमने उनको पैरलर में कनेक्ट कर दिया तो आप देख सकते हैं ये ऑब्जर्वेशन टेबल का स्क्रीन ले सकते हैं पैरलर में कनेक्ट कर दिया है और जब दोनों को हमने R1 R2 को पैरलर में कनेक्ट कर दिया है तो हम देख सकते हैं कि मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया है ज़ीरो पॉइंट सेवन सेवन अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ इसको कर लिया है लेकिन एक्यूरेटली देखें तो ज़ीरो पॉइंट सेवन सेवन हमारे पास में आ गया है वैल्यू जो है इसकी और अगर हम R1 और R2 का पैरलर का कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो वो 1.03 आ रहा है जो कि राउंड ऑफ़ में हमारी वैल्यू जो है वन के अप्रॉक्स में आ रही है थोड़ा बहुत एरर के चांसेस होते हैं क्योंकि जब हम यूज़ करते हैं किसी भी एपरेटर्स को तो थोड़ा एरर के चांसेस रहते हैं लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि हमने इसको प्रूव कर दिया है कि आर वन का जो कॉम्बिनेशन है वो पैरलर कॉम्बिनेशन का जो रिज़ल्ट है उसके इक्वल आ रहा है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टेक द स्क्रीनशॉट पहले तो ऑब्जर्वेशन टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके देन ये वेरिफिकेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके देन उसके बाद में प्रिकॉशंस रहता है एंड सोर्सेज ऑफ एरर सो पहले हम प्रिकॉशंस देख लेते हैं सो दीज आर द प्रिकॉशंस जो हमें लेने होते हैं वो ऑलमोस्ट सभी रहते हैं कि कनेक्शंस नीट एंड टाइट होने चाहिए बैलेंस पॉइंट जो है नियर टू द मिडिल में आना चाहिए वैसे लेकिन फिर भी फोर्टी और सिक्सटी के बीच में आए तो एरर के चांसेस कम होते हैं जोकि को हम स्लाइड करेंगे बिल्कुल पेंडिकुलर करके ठीक है ऑल द प्लग शुड बी टाइट वो टाइट होने चाहिए सो so, ये प्रिकॉशंस हैं देन उसके बाद में सोर्सेज ऑफ़ एरर सो दीज आर द दोर्सेज ऑफ एरर इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दीज आर द दोर्सेज ऑफ़ एरर सो एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री भी हमारा कंप्लीट हो गया है और आप इसी तरीके से जैसे मैंने इनको लिखवाया है सेम आप अपनी लैब मैनुअल में लिख सकते हैं और उसका काम जो है कंप्लीट कर सकते हैं